नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शासन और जनप्रतिनिधियों के बहरेपन की पराकाष्ठा का नतीजा, आम नागरिक अपने जेब से रुपए देकर नेशनल हाईवे रोड को करवा रहे दुरुस्त। खातेगांव तहसील के संदलपुर के पास इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे 59 पर संदलपुर फाटे के पास रेत से भरे 3 डंपर आमने सामने मिट्टी फंसने के कारण पिछले 12 घंटे से अधिक समय लगभग रात 11 बजे से जाम लगा हुआ है, लेकिन सुबह 8:30 बजे तक कोई प्रशासनिक अधिकारी NHI के अधिकारी लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचे। आखिरकार जाम में फंसे आम लोगों ने ही चंदा करके एक JCB वाले को दिए और रोड के गड्ढे भरवाकर रोड चालू करवाए। इस रोड पर आए दिन लगता है घंटों जाम, उसके बाद भी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोड का काम लगभग 3 वर्ष से चल रहा है, लेकिन ना तो ब्रिज कंप्लीट है ना सर्विस रोड कंप्लीट है। आखिर आम जनता का भगवान ही रखवाला है। क्या नाम है आपका? शफीक। शफीक, आप कहाँ से आ रहे हैं बस लेके? इंदौर से। आपका क्या नाम है? राजेश यादव। राजेश यादव, आपका भैया? जावेद। जावेद भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं बस लेके? इंदौर से। इंदौर से आ रहे हैं? नागपुर। नागपुर कहाँ जाएंगे आप? नागपुर जाना है। नागपुर जाना है। कब से आपकी ये रात को कब से जाम लगा हुआ है? 1 बजे से खड़े हैं। रात को 1 बजे से खड़े हुए हैं। जब से किसी भी प्रशासन की तरफ से कोई बोल जाम नहीं है ना, पुलिस वाले थे, पुलिस चलेगी, पुलिस प्रशासन आए थे, वापस चले गए। अच्छा, तो अभी आपने क्या यहाँ पे खुद बस वालों ने और पैसेंजर और आम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके रोड चालू करवाया? कितने कितने पैसे दिए आप लोगों ने? 200 रुपए देके, चंदा देके, फिर JCB बुलाया। 200 रुपए देके आपने JCB में चंदा करवाया। लगभग कितना पैसा दिया आपने JCB वालों को? 3000। मतलब 30 लोगों ने 3000 रुपए दी? 30 लोगों ने 3000 रुपए एकत्रित करके 3000 रुपए दिए उसको, फिर वो काम आपने रोड चालू करवाया। रोड चालू कराया, चालू होना ही है, रोड तो चालू होना ही है। कोई को भी लगेगा तो उसको देंगे, हम कहीं यहाँ 8-8 बार तक थोड़ी जाएंगे। सही बात लगेगा तो मतलब आप पिछले 10 से बाद में 12-13 घंटे से 11 बजे का खड़ा हूँ। रात को 11 बजे के 11 बजे का खड़े हुए हैं बसों में, सारे पैसे पड़े हैं गाड़ियों में। कोई कितने बजे से खड़ा है, कोई कितने बजे से खड़ा है, फिर हम 4-4 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। ये आप देखिए, चलो इनके लिए राजेश भाई आइए। अच्छा, इंदौर से बैतूल जाना है हमारे को। आप कब से यहाँ पे खड़े हैं जाम में? हम लोग 1 बजे से यहाँ पे खड़े हुए। 1 बजे से खड़े हुए हैं, मतलब 1 बजे से जाम लगा हुआ है यहाँ पे। कोई पुलिस प्रशासन कोई कुछ भी नहीं आया? हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमको पानी की भी दिक्कत हो रही है, खाने की भी दिक्कत हो रही है, लेटिंग सब की भी दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ों की दिक्कत हो रही है। लेडीज पेशेंट है हमारे साथ में, वो सवारी हमारे साथ, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तक हम लोगों ने 100 नंबर में भी कॉल किया, उसके बाद भी कोई प्रशासन को ना कोई हेल्प आई ना कुछ आई। पुलिस वाले आए थे, दो लोग आए थे, रेटी वालों से क्या बात हुई उन्होंने बोल करके, वो उन्होंने क्या उनसे बात हुई और वो चले गए। उसके बाद में अभी आ रहे हैं और अभी सब चंदा करके गाड़ी अभी निकल रही है। देवास से खबर समय जगत के लिए राजेश मालिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।